हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता सिंह और श्वेता किचन हेल्दी एंड टेस्टी कुकिंग में आपका स्वागत है। और आज जो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये। आज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर की चटनी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती और ये सबको बहुत पसंद आती है। इसे आप किसी भी स्टफ पराठे के साथ में खा सकते हैं, समोसे के साथ में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और मैं जब भी समोसा बनाती हूँ तो ये चटनी ज़रूर बनाती हूँ, मेरे घर में सबको ये बहुत पसंद आता है। तो आज मैं आप सबको इसी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए इसके इन्ग्रीडियंट्स देख लेते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। टमाटर की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 टमाटर लिया है और उसे ऐसे कट कर लिया है, जिससे कि इसका स्किन निकालने में हमें आसानी होगी। रिफाइंड ऑयल है 2 बड़े चम्मच के लगभग। यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच लिया है पचफोड़न, पचफोड़न जिसमें कि जीरा, राई, कलौंजी, मेथी और सौंफ होता है, इन सबको मिला के हम पचफोड़न बनाते हैं और इसे तड़के में यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने 4 कली लहसुन को बारीक काट लिया है और 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। और यहाँ पे 1 छोटे प्याज को ऐसे बारीक चॉप किया है। 1 चम्मच शक्कर है, शुगर 1 चम्मच, 1/2 चम्मच सॉल्ट है, नमक। और यहाँ पे 1 चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। सबसे पहले हम टमाटर को बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी रख दिया है और उसमें ये टमाटर को डाल देंगे और फिर इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे हमें अच्छे से बॉईल करना है। और ये देखिए, ये टमाटर हमारा बहुत ही अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। और ये मैंने स्किन निकाल दी है टमाटर की। और ये देखिए, ये टमाटर ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने एक जार लिया है, उसमें ये टमाटर को डाल देंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे और साथ में डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और अब हम इसका पेस्ट बनाएंगे। और ये देखिए, इसका पेस्ट मैंने बना लिया है। तो चलिए अब हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन रख दिया है गर्म होने के लिए और उसमें डालेंगे ऑयल। 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है मैंने। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे पचफोड़न और साथ में ही डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा इसे हम भूनेंगे ताकि लहसुन का कलर चेंज हो जाए, हल्का ब्राउन होना चाहिए। और ये देखिए, लहसुन का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है तो इसमें अब हम बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हमें थोड़ा सा भूनना है ताकि प्याज का भी कलर चेंज हो जाए। और ये देखिए, प्याज को भी मैंने भून लिया है, प्याज का भी कलर चेंज हो चुका है। और अब हम ये टमाटर का पेस्ट डाल देंगे इसमें और मिक्स कर लेंगे। और साथ में ही डालेंगे इसमें 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच शुगर। और इन सबको हमें अच्छे से पका लेना है।
2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे पकाने के बाद मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और अब हम इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे लो फ्लेम पे ही। और ये देखिए चटनी हमारी बहुत अच्छे से पक रही है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। और ये देखिए टमाटर की चटनी हमारी तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। इसे आप किसी भी स्टफ पराठे के साथ में खा सकते हैं, समोसे के साथ में ये बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो मेरी इस रेसिपी को आप सब बना के ज़रूर ट्राई करिए और कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस रेसिपी को बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं 15 से 20 दिन के लिए, ये ख़राब नहीं होता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।